देखिए सिस्टर बात ऐसी है, अगर वो आए मेरा इमेज लेके जाए तो ठीक है, आके बोलते हैं तुम्हारी ये बैलून असली है या नकली। नहीं गलत है, मैं गलत नहीं हूं, कुछ नहीं चाहिए। अगर ये बात आ गई मैं माता चुन में कहूंगा अबे यही मार के इनको। नहीं जा जा भाई, हेलो पांच साल के इनको पता नहीं चला होगा। ठीक है भाई, माता चुन अगर कहेगा तुम भैया रिलैक्स। तो देखिए रंजना दीदी आ चुके हैं और अपने सारे लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, तमाम सुंदर चाहिए बैठाए चाहे जैसे कहे पर सब करा दो। पगलाई जाता है पगलाई जाता हूँ स्टेज पे जब चढ़ू तब ठीक रहे। थोड़ा दूर हो जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा दो मिनट इस लोग आके बात कर ले, थोड़ा मोबाइल नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए पहले स्टेज पे। चर्चाओं में आजकल यूपी में बहुत ज्यादा है और एकदम वायरल कंटेंट है और इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत चर्चाओं में चल रही है। यही नाम है आपका? नहीं, ये नाम साक्षी है। तो आपके न्यूज में जो भी लोग हमें देख रहे हैं सभी का स्वागत करती हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आके यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है और काफी कैमरे वैमरे चल रहे हैं आगे पीछे। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छाई में यहाँ बुराई भी हो रही है, थोड़ा गर्मी लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, अभी आगे फैन वैन का तैयारी है एकदम। पहले ये बताइए दक्षिणा उक्षिणा मिला कि नहीं? दक्षिणा नहीं मिला। देने का इरादा है? जैसे कि जितने भी कैमरे चल रहे हैं, मेरा देखिए एक टैलेंट है, मैं जैसे किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया है, मैं खुद के मेहनत से उठी हूँ, मेरा एक अलग टैलेंट है। वो चाहे जो पत्रकार होता है चाहे जो भी होता है आता है मेरा इंटरव्यू लेता है ना, तो मैं उससे पैसे लेती हूँ। आज तक पत्रकार लोगों से पैसा लेते थे, अब आप पत्रकारों से पैसा लेने लगे? जी, आज तक कोई ऐसा पत्रकार नहीं हो सकता है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया होगा और मुझे पैसा नहीं दिया होगा। वाह भाई, देखिए ये मैं नाम बता रही बीजी न्यूज, जय भारत न्यूज, जौनपुर जिले में जितने भी अलाने फलाने न्यूज है सब एक एक हजार रुपया देके मेरा इंटरव्यू लेते हैं। देखिए सिस्टर बात ऐसी है, अगर वो आए मेरा इमेज लेके जाए तो ठीक है, आके बोलते हैं तुम्हारी ये बैलून असली है या नकली, इसको हिला के दिखाइए, इसी बात का मैं पैसा लेके हिला के दिखाई। तो ये तमाम जो लोग इस तरह के मीडिया को बदनाम करने का कोशिश करें उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि तमाम कैटेगरी होती है और स्ट्रगल करके आगे बढ़ी है, किन्नर है, इसका मतलब ये कि मेहनत नहीं की है जी। और जैसे कि मैं आपको दो चार नाम बता देती हूँ, वो लोग तो एकदम से घटिया पत्रकार हैं भाई, जैसे हो गया सुशील न्यूज और राज रावत न्यूज हो गया प्रयागराज का, वो लोग एकदम से घटिया है, दोनों न्यूज हो गया, ये तो साला बात करने का तमीज नहीं, न्यूज लेने चले आते हैं। बताओ, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए आते हैं, हमको पैसा देने के बाद हमको बदनाम क्यों करते हैं? पहली बात तो मैं कहती नहीं कि मेरा इंटरव्यू ले, जबरदस्ती मेरा इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। मैं इतना ना मेरे के सामने बोले चंदा भाई भी झूठे हैं भाई। अब हम नहीं लगाते बोले चलो बोलो, ये देखो इनका चैनल है, इनका चैनल, इनका चैनल है रानी प्रजा, इनका चैनल है, किस दिन तुम्हारी हुआ देख लीजिए, क्या दिन तुम्हारी, आप देख लीजिए 5,760,000 व्यूज गए हैं मैंने कमेंट किया 5,760,000। मैं हरदम हरदम कमेंट नहीं मार के अपना चैनल हल्का करूंगी, आपने हमारे कितना मारा है ये बता। मैं तुमको एक महीना बैठा खिलाई हूँ और इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? एक महीने तो हम तुम्हारे स्टूडियो में थी नहीं, वो तो दुनिया जानती है। ठीक है, खुशी का माहौल है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ये खुद बताइए, सुनिए देखिए, हमें तो कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, रंजना का मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं यही पैदा कर दिया, लेकिन ये गलत है रंजना किलर, मैं कहता हूँ गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, कुछ नहीं चाहिए। अगर ये बात आ गई मैं माता चुन में कहूँगा अबे यही मार के इनको। नहीं जा जा इनको पता नहीं चला होगा, वही माता चुन अगर कहेगा तुम एक महीना मेरे यहाँ खाई है, मैं इनका कोई सपोर्ट नहीं लिया, मैं कैसे कह सकते हैं गंदा झूठी है, निकालो झूठा मारे ये देखो ये इनमें
सारे काम करो।